तो 2.3 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमें उसको जानना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या करता है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए और फिर उसके बाद जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। डेफिनेटली तो हमने यहाँ लिया है दूसरा का पहला क्वेश्चन, तो पहला बहुपद यहाँ क्या है टी स्क्वायर माइनस 3 और दूसरा हमने लिया दूसरा है 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस 90 माइनस 12। हम क्या करेंगे इसको इसमें भाग देना है, ठीक है, भाग देना है और फिर जांच करना है कि क्या इसका यह गुणनखंड है। तो हम इसको ना दो तरीके से बना सकते हैं, एक तरीका ये भाग एल्गोरिथम के प्रयोग करके हम बना सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट टी का मान समीकरण में रख दें और अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो समझ जाएंगे कि वह उसका गुणनखंड है, राइट। तो हम इसको देखो एक तरीका ये पहला मेथड जो हम बना रहे हैं जो भाग एल्गोरिथम द्वारा। तो भाग एल्गोरिथम में क्या होता है, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, इट्स वेरी इजी वन, ऑलरेडी यू पीपल आर नोइंग ऑलरेडी, इसके बारे में आप लोग जान रहे हैं। तो हम इसको मान लेते हैं भाज्य, ठीक है, और ये भाजक हो गया। तो हम क्या करेंगे टी स्क्वायर से हम क्या करें टी स्क्वायर माइनस 3 से हम इसमें भाग देंगे, इसमें 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस 90 माइनस 12 भाग देते हैं इसमें। अब भाग देते हैं तो सबसे पहले जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये डिजिट लाना है, तो t का मल्टीपल कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 के किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो डेफिनेटली 2 से, तो ये 2 आ गया। अब यहाँ टी स्क्वायर है और इसको टी फोर लाना है, तो टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी फोर आएगा, टी स्क्वायर से, सो देयर शुड बी टी स्क्वायर। कैसे आप देख सकते हैं कि टी स्क्वायर मान लीजिए ये है टी स्क्वायर और इसको करेंगे गुना टी स्क्वायर से, तो जब बेस सेम होता है तो इसका पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो 2 to 4 हो जाएगा, ऑब्वियसली लाइक दैट ओनली। तो हम इसको लिख दिए 2 का पावर 4। अब ये 2t2 से हम 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6 जो कि माइनस में है तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा t2। अब ये हम इसको चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस, दिस इज एन माइनस तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए ये 3t3 बच गया और ये देखिए यहाँ 6t2 प्लस में है और ये माइनस में, तो 6t2 प्लस में से हम ये 2t2 माइनस घट जाएंगे तो 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4t2 और ये प्लस क्यों होगा क्योंकि इसका माइनस से बदल के प्लस हो गया है, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा प्लस में, इसका सिंबल क्या रहेगा प्लस में ही रहेगा ना। अगला एक और लिख लेते हैं 90। अब देखिए हमको 3 लाना है, 1 का मल्टीपल यानी पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ऑब्वियसली विल गेट दैट 3 और टी स्क्वायर है और टी क्यू लाना है तो हम क्या करेंगे टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो टी को अगर टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो टी क्यू होता है, मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद अगर टी 3t से अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 क्योंकि ये माइनस में था दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस वन माइनस 2। अब इसका भी मान बदलेगा माइनस ये प्लस हो जाएगा, दिस इज कैंसिल नाउ। अब ये 4t2 बच गया है, ठीक है, और ये देखो ये 90 प्लस ये और ये माइनस माइनस 90 प्लस 90 इज ओवर कैंसिल। अब यहां उतार सकते हैं इसको हम 12। अब 4 लाने के लिए क्या करेंगे इसको हम डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे t2 को तो क्या हो जाएगा 4t2, यस, और इसी 4 से हम गुणा करेंगे 3 को तो 4 3 - 12 इट शुड बी माइनस प्लस, everything is cancelled, remainder is 0। तो हमारा भागफल कितना आया, ये हो गया हमारा भागफल और शेष हमारा कितना आया 0। एक ये तरीका था जो कि बहुत आसान है और दूसरा तरीका ये है कि आप देखिए हम कोई भी किसी भी बहुपद का या किसी भी समीकरण या पॉलीनोमियल्स का मान 0 या 0 वही कहलाएगा जिसके मान रखने से उसका वैल्यू 0 हो जाए। तो माना कि ये पॉलीनोमियल्स कितना मान लिया हमने px बराबर, अच्छा t मान लेते हैं, pt बराबर मान लो, इसको हम दूसरा तरीका से बोल रहे हैं, क्या लिखेंगे 2t का पावर 4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस 90 माइनस 12, ठीक है। और हमें जांच करना है कि ये इसका एक शून्य है कि नहीं, यानी t2 माइनस 3 शुड बी इट्स 0, इसका 0 हो सकता है, तो बराबर हम 0 ले लेते हैं इसको, तो t का वैल्यू कितना आया, अगर हम t को 3 को इधर ले आएंगे तो ये 3 हो गया स्क्वायर है, तो t हटाएंगे तो क्या आएगा रूट 3,
इसका मतलब या तो प्लस रूट या माइनस रूट थ्री में इसका मान आएगा, है कि नहीं? अगर इस मान को इस टी के स्थान पर रख देते हैं और इफ इट्स वैल्यू कम्स जीरो, दैट मींस इट इज जीरो, तो हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम टी का मान हम ले लेते हैं रूट थ्री, ठीक है, तो क्या करेंगे टू और रूट के जगह टी के जगह पर हम लिखेंगे रूट थ्री का पावर फोर प्लस थ्री इंटू रूट थ्री का क्यूब माइनस टू इंटू रूट थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू रूट थ्री और माइनस ट्वेल्व। लेट्स सी, अब जो सॉल्व करते हैं, अगर रूट थ्री को चार बार लिखते हैं तो क्या होगा, रूट थ्री गुने रूट थ्री गुने रूट थ्री गुने रूट थ्री, कितना हो गया रूट थ्री रूट थ्री रूट नाइन, इसका वैल्यू हो गया थ्री, इसका वैल्यू हो गया थ्री 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 कितना हो गया नाइन, इसका वैल्यू कितना हो गया नाइन, ओके। सिमिलरली अगर तीन बार लिखते हैं तो रूट थ्री को रूट थ्री यानी थ्री और फिर उसको रूट थ्री स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा थ्री रूट थ्री, ऑब्वियसली इट विल बी। सिमिलरली अगर रूट थ्री को रूट थ्री से गुणा करेंगे तो क्या होगा थ्री, थ्री को टू से गुणा करेंगे थ्री टू जा सिक्स, माइनस नौ को रूट थ्री से गुणा करेंगे क्या होगा माइनस नाइन रूट थ्री माइनस ट्वेल्व। अगला सॉल्व करते हैं, नाइन टू जा कितना हो गया एटीन प्लस थ्री थ्री जा नाइन रूट थ्री और ये हो गया सिक्स और ये हो गया माइनस नाइन रूट थ्री माइनस बारह। अब गौर से देखो ये प्लस नाइन रूट थ्री और ये माइनस नाइन रूट थ्री विल कैंसिल। अब देखो क्या बच गया हमारे पास 18 और ये 12 और 6 18 दोनों माइनस में हो गया क्या हो गया जीरो, लिखेंगे हाँ टी स्क्वायर माइनस थ्री बहुपद का क्या है गुणनखंड है। एक ये भी तरीका है आराम से। दूसरा तरीका है कि हम इस फॉर्मूला पे रख देंगे भाज्य जितना इतना बराबर भाजक, भाजक गुने भागफल और जो शेष आया जोड़ोगे, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया आपको जो समझ में आए दैट विल बी द बेस्ट। ओके थैंक यू।